हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावो चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइसक्रीम की रेसिपीज़ में एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस और सभी की फेवरेट ऐसी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं मोस्ट फेवरेट और मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी राजभोग आइसक्रीम की। एकदम रॉयल तरीके से आज हम लोग ये राजभोग आइसक्रीम की रेसिपी देखेंगे। बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली ऐसी आइसक्रीम बनती है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जितनी ये दिखने में खूबसूरत है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पतीला। उसमें हम लोग डाल देंगे एक कप यानी कि 200 ml दूध। दूध आपको कच्चा या भैंस का जो बिना उबला हुआ दूध होता है वो आपको लेना है। जितना दूध अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी ही आइसक्रीम अच्छी बनेगी। दूध में हमने एक चौथाई कप पिसी हुई चीनी डाल दी है। एक टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दी है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं है तो आप 3 से 4 टेबल स्पून के करीब घर की जो दूध की मलाई होती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऐड करने से आपकी जो आइसक्रीम है वो ज़्यादा स्मूथ और रिच टेस्ट वाली बनती है। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब गैस के ऊपर हम लोग ये पतीला रख देंगे और बस 7 से 8 मिनट तक हम लोग इसे लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। बस आपको इसे लगातार इस तरह से चलाते रहना है क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमने इसमें मिलाया है और उसकी वजह से थोड़ी ही देर में आपको जो ये मिक्सचर है वो हल्का सा थिक दिखने लगेगा। इसका मतलब है ये धीरे धीरे पक रहा है। अगर आप इसे ऐसा ही छोड़ेंगे तो ये नीचे तले में लग सकता है। देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद हमारा मिश्रण इस तरह से थिक होने लगा है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। हम लोग अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। पूरे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से कोटिंग कंसिस्टेंसी चम्मच के ऊपर आ जाएगी तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब गैस का फ्लेम हम लोग बंद करके इसे नीचे उतार कर पूरी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग इसे पंखे की हवा के नीचे ही ठंडा होने देंगे और तब तक हम लोग बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर खोया लिया है 1/4 कप यानी कि 70 से 80 ग्राम के करीब ये खोया मैंने लिया है। खोया आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, रेडीमेड खोया। और अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उससे हम लोग घर पर ही मिल्क पाउडर से ये खोया बना सकते हैं। खोए को हमने इस तरह से पैन में डाल दिया है और 5 से 6 मिनट तक हम लोग इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट कर लेंगे या थोड़ा सा हम लोग इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। खोया थोड़ा सा भुनने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़्यादा देर तक आपको इसे बिल्कुल भी नहीं भुनना है, बस 5 से 6 मिनट तक। और बस अब ये भुन चुका है, हम लोग इसे साइड में निकाल लेंगे और उसी पैन में हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप के करीब ये ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से बादाम, काजू मैंने यहाँ पर लिए हैं कट किए हुए और इसे भी हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रोस्ट करने से उसका एक क्रंच आइसक्रीम खाते टाइम लगता है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस 3 से 4 मिनट तक हमने इसे भी रोस्ट कर लिया है। आप अपनी मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी हम लोग साइड में निकाल लेंगे और तब तक हम लोग यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम है उसे भी इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर ये 200 ml व्हिपिंग क्रीम ले ली है, जो हम लोग केक डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, वही सनविप की आज हम लोग ये व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे। 200 ml के करीब हम लोग ये व्हिपिंग क्रीम इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से ये क्रीम काम करती है। आपको बस इसका वॉल्यूम डबल होने तक आपको इसे बीट करना है। और हाँ, जो भी आप लोग व्हिपिंग क्रीम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एकदम ठंडी और चिल्ड होनी चाहिए। बिल्कुल भी उसमें आइस क्रिस्टल्स या बर्फ़ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से हल्के से सॉफ्ट पिक्स आना शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड पिक्स यहाँ पर या स्टिप पिक्स आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग इसमें मिला लेंगे 1/4 कप के करीब कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड। आज मैंने यहाँ पर रेडीमेड या अमूल का कंडेंस मिल्क यूज़ किया है और इसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध, जो मैंने पहले ही थोड़ा सा केसर दूध में भीगने के लिए छोड़ दिया था, वही केसर वाला दूध हमने इसमें मिला दिया है। और जो कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का दूध का जो मिश्रण हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था ना, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको उसे छानकर इसमें मिलाना है, छानकर ही डालना है। इससे आपकी आइसक्रीम ज़्यादा स्मूथ और खाने में टेस्टी और रिच बनती है। कोई भी लम्स या गांठें उसमें नहीं रहती है।
और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इसे मिलाने के लिए हम लोग इसे इलेक्ट्रिक बीटर से इस तरह से चला लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ या रोस्ट किया हुआ खोया या मावा। और इसी के साथ में हमने 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें येलो फूड कलर और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर भी मिला दी है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर का या इलायची का इसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है इस राजभोग आइसक्रीम का। अच्छी तरह से हमने इसे 2 से 3 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया है। और इसी के साथ में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स या रोस्ट किए हुए काजू बादाम। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथ से बस इसे मिला लेंगे। अब हमारा ये राजभोग आइसक्रीम का बेस बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारा ये बेस तैयार हुआ है। हमने बस 200 ml दूध और 200 ml क्रीम इसमें ऐड की है। बस आइसक्रीम का एक पुराना डब्बा या कांच का किसी भी तरह का एयरटाइट कंटेनर आप ले लीजिए और उसमें आइसक्रीम को इस तरह से सेट कर लीजिए। देख सकते हैं इतनी सी क्वांटिटी में हमारी एक डब्बा भर के पूरा 1 लीटर का ये डब्बा है, इतनी आइसक्रीम ज़्यादा बनती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से आइसक्रीम बनती है। इसके ऊपर हम लोग थोड़े से गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और बस इसका ढक्कन लगाकर या लीड लगाकर हम लोग इसे 10 से 12 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए फ्रीजर में छोड़ देंगे, जहाँ पर हम लोग बर्फ़ जमाते हैं। फ्रीजर का टेम्परेचर एकदम या कूलेस्ट मोड पर होना चाहिए, तभी आपकी आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट होगी। देख सकते हैं दूसरे दिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट। जैसे मार्केट में मिलती है ना, सेम उसी तरह से बिल्कुल भी इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स या बर्फ़ नहीं जमती है। आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा प्लास्टिक का कोई भी क्लीन रैप पेपर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे इसके ऊपर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। देख लीजिए इसका एक स्कूप भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। एकदम मार्केट स्टाइल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सी एकदम टेस्टी वाली राजभोग आइसक्रीम, रॉयल राजभोग आइसक्रीम हमारे यहाँ पर तैयार है। दिखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर एक बार ये रेसिपी घर पर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अगर आप घर पर ही ट्राई करते हैं ना, तो मार्केट वाली आइसक्रीम्स खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। ऊपर से हमने थोड़े से बादाम और अलग ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दी है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। गाइस ज़रूर एक बार घर पर ये ट्राई कीजिएगा। घर में सभी लोगों को ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें इसमें एकदम रॉयल वाली और एकदम टेस्टी वाली यूज़ की है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये रेसिपी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, हमेशा की तरह पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर। और अपने दावत चैनल को ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो दावत चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह की एक नई सी वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।